ये बेटियों के लिए हर किस्म के, तो उसमें सब आप सब लोगों को भागीदारी है, आप सबको उसका लाभ मिल रहा है। तो पार्लियामेंट में भी आप देखिए बहुत सारी महिला सांसद हैं आज, और बहुत सारी मिनिस्टर्स भी बनी हुई हैं महिलाएं। ये सब सिर्फ मोदी जी के सोच की वजह से हुआ है और हो रहा है। तो हमें बहुत ही खुशी है आज के इस समय में उनके साथ हम भी मिले हुए हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवतः। एक बहुत खूबसूरत सा एक कविता है, मैं नारी हूं, मैं परंपराओं की जननी भी हूं तथा उनका निर्वाह करने वाली भी हूं, मैं सृष्टि का अनुपम रूप हूं, संसार मुझ पर मोहित है तो इतिहास गर्वित है, मुझ में वो सभी नारियां जीवित है जो अपने आदर्श चरित्र यहां पर स्थापित कर गई हैं। मैं अतीत भी हूं, वर्तमान भी, और आने वाले कल की उत्तरदायित्व भी मुझी पर है, मैं नारी हूं। ये एक बहुत सुंदर कवि रविंद्र जैन जी ने ये लिखा है हमारे लिए खास तौर पर। तो आप अपनी बेटियों को कभी ये मत सोचिए कि वो बोझ है, बेटियां तो बाबुल की रानियां होती है कि नहीं। और आपको आपका ये जिम्मेदार है कि अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़कर लेकर आएंगे, आपके ऊपर पूरा दायित्व है। अपनी बेटियों को आप उसे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, निर्भीक, साहसी नारी बनाना होगा आपको। हर परिस्थिति का सामना करना उनको सिखाइए, अपने आप को सुरक्षित रखना भी सिखाइए आप। उसे केवल संवेदनशील व्यक्ति नहीं, तेज दरार करार साहसी औरत बनाइए। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत सारे योजनाएं बनाई है, उसमें खास तौर पर मिशन शक्ति अभियान, उसमें वो महिलाओं को, बेटियों को खास तौर पर कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और स्वास्थ्य भी कैसे अच्छी तरह से रख सकती हैं और स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को जागृत करा रहे हैं हमारे योगी जी। तो ऐसे एक बहुत ही सुंदर अवसर आप लोगों को मिल रहा है, इसे आप सब यूज़ कीजिए और अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर आइए और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। ये हमारी सरकार, मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसका पूरा आप उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधायक श्रीमती नीलम करवरिया जी को। जय श्री राम।